हाय शनाया, कैसी हो? आई एम द बेस्ट, तुम कैसी हो? ओह माय गॉड, मुझे कहना पड़ेगा, तुम्हारी और शौर्य की बातें ना बिल्कुल एक जैसी है। बहुत सेम हो यार तुम दोनों। रियली? हाँ, हाउ स्वीट। आप कहाँ हैं? मैं आ रही हूँ। अरे मैं बात कर रही हूँ ना उससे, तुम्हें रुक जा। तेरे पास इतना अच्छा फोन है, अपने फोन से फोन लगा ले ना, मुझे लेट हो रहा है। हेलो गिरीश, जल्दी से मेरी कार कीज और मेरा लैपटॉप बैग लेकर मुझे गेट पर मिलो, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। या अरे अरे केडी, मेरी बात सुनो, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मुझे ऑफिस जाना है। और अगर मैं ऑफिस लेट पहुंचाना, राजवीर मुझसे पहले पहुंच जाएगा और बहुत बड़ा सीन कर देगा कि मैं टाइम पे नहीं आता, मुझे टाइम की कोई कदर नहीं है। वैसे यू नो ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इस कंपनी के ओनर का बेटा हूं, राजवीर मेरी इंसल्ट करे ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और वो ना कोई मौका नहीं छोड़ता मेरी इंसल्ट करने का। Anyway, I'm getting too late. I'll see you later. Bye, bye, bye. चलो अच्छा है, किसी से थोड़ा तो डरता है। ओ, तो शौर्य ऑफिस जा रहा है, सही है। शौर्य किसी से डरता नहीं है, उसे बस इतना पता है कि ऑफिस में सब टाइम पे पहुंचते हैं और खास करके राजवीर, और अगर वो राजवीर से लेट पहुंचा तो उसकी इंसल्ट हो जाएगी, इसीलिए वो राजवीर को लेकर ना बहुत ही कम्पेटिटिव है। चलो इसी बहाने शौर्य की लाइफ में कुछ तो पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। हाँ अच्छा, तुम ये बातें बाद में करना, पहले घर आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ यार। ओके ओके, बाय बाय। ओके बाय बाय। चाचा शना, लेट हो रहा है। अरे वो ना, मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बल्कि मेरी अजीब सा हो रहा है, मुझे लग रहा है मुझे आज घर ही रहना चाहिए। तू जा है? बाय है? हाँ अभी तो तू कह रही थी तुझे लूथरा हाउस जाना है, इसीलिए मुझसे पहले बाथरूम घुस गई। 10 घंटे तूने नहाने के लिए लिए, 24 घंटे तूने मेकअप के लिए लिए, और अब कह रही है कि तुझे जाना नहीं है। अरे तो पर अब मेरी तबीयत खराब हो गई है ना यार, मेरे सर में दर्द हो रहा है अभी, और मुझसे बातें मत कर प्लीज, जा दे मुझे सोना है, मुझे रेस्ट करना है, जा। पक्का तुझे कोई दवाई दूं? नहीं नहीं, आई मैनेज, गो। ओके बाय, मुझे लेट हो रहा है। अच्छा अगर तुझे कुछ चाहिए रहेगा तो मुझे बता देना। बाय बाय बाय। आज ना मैं लूथराज के घर नहीं बल्कि उनके ऑफिस जाऊंगी। आफ्टर ऑल मेरा शौर्य जमा होगा। भाई यार, अब अगर उसके दिल में तुझे जगह बनानी है ना, तो जहां जहां शौर्य जाएगा वहां वहां शनाया जाएगी। कहां जा रही हो? बोलो निधि। वो एक्चुअली कुछ काम है तो वो पूरा करने जाना है, तो जाना है बस। मैं सूट सेलेक्ट करती हूँ। अरे मैं कह रहा था कि गाड़ी लेके जा रही है? नहीं, वो मेरी गाड़ी वर्कशॉप गई है सर्विस के लिए, तो अगर तुम गाड़ी यूज नहीं कर रही हो तो मुझे लगा कि तुम तो कहीं जा नहीं रही हो, तो तुम्हारी गाड़ी मैं ले जाता हूँ। लेकिन अगर तुम जा रही हो तो तुम जाओ, कोई बात नहीं, मैं डैड की गाड़ी ले जाऊंगा, डैड की गाड़ी इज कम्फर्टेबल टू मी, तो ठीक है तुम जाओ, मैं मैनेज कर लूंगा। सो हाँ हाँ, प्लीज प्लीज, लेट हो रहा है। उससे कहा था ना सूट सिलेक्ट करने के लिए, वो काम से जा रही थी, उसको अंदर क्यों इन्वॉल्व कर लिया? ये पासिंग द पार्सल चल रहा है क्या यहाँ पर? उससे कहा था ना मैंने। यार करण, तू ना बहुत गुस्सा करता है यार। सुन, लड़के ना डिसाइड नहीं कर पाते, अगर मैंने लड़की का सजेशन ले लिया है, कौन सी आफत आ गई? बोला तो उससे था ना। अरे तो मैंने उसको पूछ लिया, तो क्यों इन्वॉल्व किया उसको? अरे कर ली तो क्या गलत है? इतना गुस्सा करने की जरूरत आ गई है? मैं नहीं चाहता कि इसकी सिलेक्ट किया हुआ कपड़ा मैं पहनू। क्यों पहनू मैं तेरा सिलेक्ट किया हुआ कपड़ा? I think this is classy and this is smart. Okay. कौन सा पहनोगे? अच्छा मैं एक सवाल पूछूं तुमसे, कि अगर हमें ही डिसाइड करना है कि क्या पहनना है, तो फिर हम पहले ही कर लेते हैं, तो फिर हम तुमसे क्यों पूछते? क्या है ना कि ये और ज्यादा मुश्किल हो गया। Now you have to make the selection between the selected. This is even tougher. तो मैं ये पूछ रहा था कि तुम डिसाइड करो कि क्या अच्छा लगेगा। Cool. तुम्हें ये पहनना चाहिए। पानी दूं? नहीं नहीं, ये वाला। गुड, वेरी गुड, दिस वन इज गुड, बहुत बढ़िया ये। लेकिन ये कैसा लगेगा? दिस इज बेटर। बस नहीं, एक बात बता, ये कैसा लगा? हाँ ये करण,
मैंने जो सिलेक्ट किया है तुम्हें वही पहनना चाहिए। वैसे एक बात बताओ निधि, हम दोनों तो जानते हैं कि फैशन में हमारी नॉलेज ना बहुत ही लिमिटेड है, इसलिए हम हर रोज कंफ्यूज रहते हैं अपने वार्डरोब खोल के कि आज क्या पहने आज क्या ना पहने। हमारी तो लिमिटेड है, लेकिन एक बात कहूँ, तुम्हारी नॉलेज ना फैशन में बिल्कुल ही गई गुजरी है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन अगर मैंने निधि का सिलेक्टेड ये सूट पहन लिया ना, वो भी जैपनीज क्लाइंट के, अरे बिल्कुल जोकर लगूंगा मैं, जोकर। जो पहन ले पहन लेना। निधि, अरे इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? अरे निधि 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 सुनो तो सही। अरे पागल हो गया क्या? अरे कोई ऐसे हंस, तू उसके मुंह पे हंस रहा है यार, तू क्या कर रहा है यार तू? सिंपल सी बात बता, मैंने तुझसे पूछा था ना कि तू सूट सिलेक्ट करेगा, तूने निधि को क्यों इन्वॉल्व किया? वो जा रही थी अपने काम से, तूने उसको यहाँ पर बुलाया, तेरी गलती है, मेरी गलती है, इसमें मेरी गलती है, तेरी गलती है। मैंने अंदर बुला लिया तो उसको तुम्हें हंसने की क्या जरूरत है? हंसने वाली है बात क्या? इतने लंबे लंबे कोट पहन के मैं क्या फॉरेन डेलीगेट्स के सामने जाऊंगा? मत पहनना भाई, तू कुछ और। ओके मेरी गलती है, मैंने बुलाया, मेरी गलती, सब मेरे पर, तू जल्दी से पहन और जल्दी, वी आर गेटिंग लेट। गलती तू करे और सुनना मुझे पड़े, अब हंसो भी नहीं, ये क्या बात हुई? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो मैम। हाय, आप किसी से मिलने आए हैं? या एक्चुअली मैं शौर्य से मिलने आई थी, वो आ गए? नहीं वो नहीं आए हैं। कोई बात नहीं, मैं यहाँ उनका वेट कर लेती हूँ। शौर्य क्या कर रहे हैं? पापा हो रहे वो राजी राजवीर अरोड़ा, मुझे उनसे मिलना था। आपने तो कहा था आपको शौर्य लूथरा से मिलना है, वो आ गए हैं आपके पीछे। हाय, एक्चुअली मुझे राजवीर अरोड़ा से मिलना है, उनका केबिन कहाँ है? उस तरफ। थैंक्स। ये सब क्या हो रहा है? ये लड़की ऑफिस में क्यों आई है? हाँ है वो बंदा, लोगों का भी क्या बोले, एक तो पहले पैसे देके हायर करो, फिर फोन कर करके इसको कोऑर्डिनेट भी करो। हाँ मैडम। हाँ मैडम, क्या कहाँ हो तुम? हाँ, और तुम्हारे लोग कहाँ हैं? मैं यहाँ पे सबसे पहले आके खड़ी हूँ, तुम लोगों को यहाँ टाइम पे होना चाहिए था ना, मैं इतनी देरी नहीं हूँ कि आके सबसे पहले खड़ी हो जाओ। मैम बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं यही हूँ, और वो लोग भी मेरे पीछे ही ऑटो में आ रहे हैं, वो मेरे पास कार थी इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आ गया, बस सब आस पास ही है, बस आपको दिख ही नहीं रहे। दिखने चाहिए ना, अब तो टाइम हो गया है, ना शिकार दिख रहा है ना शिकारी दिख रहा है, मैं यहाँ पे सबसे पहले आके क्यों खड़ी हूँ अभी तक? आप टेंशन मत लो, शिकारी भी आएगा। आप अपनी बाईं तरफ देखो, आपको आपका शिकार दिखेगा। और अब अपना टाइम आ गया है, वो भी इधर है और हम भी इधर है, अब शिकार किधर का किधर जाएगा, बस हमें सही टाइम चाहिए अटैक करने का और सारा काम तमाम हो जाएगा। चल हो गया। माय गॉड, मुझे ना काला टीका लगा के आना चाहिए था आज, यार नजर लग जाएगी क्योंकि मैं हूं ही इतनी स्मार्ट। देखा बच गई ना, नेक्स्ट टाइम के लिए बोल रहा हूँ, विच आई नो तुम टकराओगी, अगली बार टकराओगी तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा, गिरने दूंगा। ओके मुझे पता ही था, मुझे अगर राजवीर में जरा सा भी इंटरेस्ट हुआ ना तो शौर्य मेरे पीछे पीछे जरूर आएगा, या तो इसने ये नोटिस किया होगा कि राजवीर को भी मुझ में इंटरेस्ट है।
सराया तुम यहाँ? ये लड़की अब ये यहाँ क्यों आई? राजवीर के पास? क्या नाम था इसका? चुनकी वाली की बहन, राइट? गॉट इट, शनाया। वैसे ये यहाँ क्या कर रही है और राजवीर से मिलने क्यों आई? मुझे लगा कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो इसीलिए आई। मैं तुमसे मिलना चाहता? अगर मुझे तुमसे मिलना ही होता तो मैं तो तुम्हारे घर आकर तुमसे मिल लेता। लेकिन क्यों? नहीं, पता नहीं मैं क्या बोले चाह रहा हूँ। एक्चुअली आई एम कंफ्यूज। तुम यहाँ? मुझे लग रहा है मैं ही कंफ्यूज हो रही हूँ। आई मीन मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें बिना बताए आ गई। नहीं, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन। वैसे तुम्हें कुछ कहना है, कुछ बताना है? राजवीर, वो मुझे ऐसा लगता है कि शौर्य ना मुझ में इंटरेस्टेड है। नहीं होना चाहिए, पर लड़का बुरा नहीं है। तुमको क्या लगता है? आई मीन फिर भी शौर्य, वो मैंने एक्चुअली तुम्हें अंदर आते हुए देखा, पर I wasn't sure कि वो तुम ही हो या नहीं, तो मैंने तुम्हें फॉलो किया। सोचा कि अगर तुम ही हो तो हाय बोल देता हूँ। हाय। शौर्य, अब देखो जो भी नाम मेरे और राजवीर के बीच में है ना, वो बहुत पर्सनल है। ओके, वो हम दोनों के बीच में ही है। जो भी कुछ है हम तुम्हें बताना नहीं चाहते, तो प्लीज उनके सर को मत बताना। इट इज वेरी प्राइवेट। ओके, अच्छा, ओके, ग्रेट। एक्चुअली बट क्या मुझे बता सकते हो कि तुम दोनों के बीच में ऐसा क्या है जो पर्सनल है और तुम दोनों से प्राइवेट रखना चाहते हो? पालक की गड्डी भी ले लेती एक? हाँ बिल्कुल। अब भैया टमाटर कैसे दिए बताइए जरा। अरे भाव क्या पूछना मैडम जी, पूरा इंडिया जानता है। 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो? अरे कल ही 150 रुपए किलो था ना। क्या हद है यार, मतलब 200 रुपए किलो? भैया टमाटर नहीं हो गए मतलब सोना हो गया क्या? मैं नहीं देने वाली 200 रुपए, 50 रुपए से लगाओ चलो। और क्या? मैं दूंगा तब ना। अच्छा नहीं दोगे? कल ठेला लगाना है ना यहाँ पर या नहीं लगाना है? धमकी दे रहे हो मैडम जी? नहीं, आईडी वाली हूँ, धमकी दे रही हूँ। 50 रुपए से लगाओ। 200 रुपए किलो? नहीं दूंगी 200 रुपए। चलो ठीक है 50 रुपए, मैं कुछ ज्यादा ही बोल रही हूँ। 150 रुपए जो कल का भाव था वही उसमें दे दो आप। मतलब हद्दा ले यार, मतलब वो प्याज के बढ़ा दिए इन लोग ने दाम, टमाटर के बढ़ा दिए। हाय राम, कितना बोल रही है, कितनी बहस कर रही है। ये टमाटर सच्ची बहुत महंगे हो गए हैं, पढ़ नहीं रही है क्या न्यूज में रोज? कोई नहीं, आधा किलो टमाटर दे दो। मैडम जी आधा किलो नहीं, 1 किलो ले लो। टमाटर का भाव घटने वाला नहीं है, बढ़ने वाला है। दीने बोला ना आधा किलो तो आधा किलो, जबरदस्ती 1 किलो देने की जरूरत नहीं है। यार दिया पे ना इनके सामने मुझे डांटा मत करो, क्योंकि क्या है ना फिर ये लोग मुझे हल्के में लेते हैं। डांट नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ। इस सामने से जो दो औरतें आ रही हैं, इसमें से जो लाल साड़ी वाली है उसका खेल खत्म करना है। ठीक है मैडम, काम हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ दी, टमाटर खाना बंद ही कर देना चाहिए, इतने महंगे हो गए। हमने हरा धनिया लिया क्या? मेथी तो ली है, हरा धनिया दिया नहीं उसे। वहाँ पर मिल रहा है, वहाँ से लेती हूँ। दी आप ऑटो देख लेना ना। हाँ हाँ ठीक है, मैं ऑटो बुलाती हूँ।
हो गया इनका। पता है यहां पर किसी का एक्सीडेंट हुआ? Guys, it's a simple question. ऐसा क्या है जो तुम दोनों के बीच पर्सनल है और तुम दोनों उसे प्राइवेट रखना चाहते हो? शौर्य, पर्सनल का मतलब क्या होता है? जो चीजें पर्सनल होती हैं, किसी को बताई नहीं जाती, प्राइवेट होती हैं, राइट? तो हम तुम्हें क्यों बताएं? अब भले ही तुम उसे कॉम्प्लिकेटेड वे में पूछो या सिंपल वे में, हम नहीं बताने वाले। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी और राजवीर तुम भी इसे कुछ मत बताना, ठीक है? जो भी हमारे बीच है, व्हाटएवर, आई मीन हम थोड़ी ना हर किसी को बताते रहेंगे। हो गया, मिल गया जवाब। अब मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तू यहीं पर ऐसे ही खड़ा रहने वाला? क्यों, तुझे प्रॉब्लम है? भूल गया क्या, ये मेरा ऑफिस है। मैं जब चाहे, जहाँ चाहे, कहीं भी खड़ा हो सकता हूँ। ठीक है, तू यहीं पर खड़ा रहे। शनाया, आई थिंक तुम्हें घर जाना चाहिए। मैं तुम्हें वहीं आकर मिलता हूँ। मैं तुम्हें वहां तक ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, तो इवनिंग में मैं तुम्हारा वेट करूंगी। ओके। बाय शनाया। हाय। इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है, पता नहीं क्या, बट कुछ तो चल रहा है। पहले मुझे लगता था कि इस क्रैकपॉट राजवीर का उस चुमकी वाली के साथ कुछ चल रहा है, पर नहीं, वो काफी इनोसेंट है। I'm sure वो राजवीर जैसे बंदे को डेट नहीं करेगी। बट ये शनाया बिल्कुल राजवीर टाइप लगती है। कुछ तो है, देखते हैं। चलो जल्दी जल्दी आंखें खोलो दी। डॉक्टर मेरी दी को कुछ हो तो नहीं गया ना? इनका एक्सीडेंट हो गया था, वो वहां पर वो खून वून निकला है। प्लीज मेरी दी ठीक तो हो जाएगी ना? प्लीज बताइए ना। जल्दी लेके चलो, क्विक। देखिए आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए और सबसे पहले रोना बंद कीजिए। हम उनको देख लेंगे, आप यहाँ पर आई हैं, उनका ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाएगा। ओके, डोंट वरी। आप जाके फॉर्म भर दीजिए, ठीक है? जी जी, मैं भर रही हूँ। कितनी बार मना किया मैंने आपको और राजवीर को कि मुंबई मत जाओ, मत जाओ। आपने मेरी एक नहीं सुनी थी। आपने भी राजवीर का साथ दिया। कितनी बार एक्सप्लेन किया मैंने आप लोगों को कि मुंबई मुंबई हमारा शहर नहीं है। अरे अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी कामशेदपुर में, क्यों आना था मुंबई आपको? इस शहर ने हमें तकलीफों के अलावा, दर्द के अलावा और कुछ नहीं दिया।
ये मुंबई सिर्फ कुछ ही लोगों को अपना बनाती है और उन कुछ लोगों में से हम वो लोग नहीं है जी। आपको तो याद भी नहीं है इस मुंबई शहर ने हमसे क्या कुछ नहीं छीना है। आपसे तो मैं नाराज भी नहीं रह सकती। भगवान जी ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू? क्यों कर रहा है तू मेरे दी के साथ ऐसा? मेरे दी ने क्या गलती की है? किस बात की सजा दे रहा है तू उन्हें? जब से दी मुंबई आई है हादसे पे हादसे, एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट। अरे किसकी दुश्मनी है आप? दुश्मन तो है आपके दी। लेकिन ये पता कैसे चले कि किसने क्या किया है? ये गुत्थी कब सुलझेगी? भगवान जी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है तू मेरी? मैं क्या करूं? जितनी बार मना करती हूँ कि मत जाओ फिर भी मुंबई आना होता है। अब देखा ना जी क्या हो गया। जब से आए हो तब से कोई ना कोई आपके जान के पीछे पड़ा है। अरे ऐसा क्या किया मेरे दीने भगवान जी जो उनके साथ ये सब हो गया है? बस थी अब बहुत हो गया। अब अगर मैंने कहा कि मुंबई छोड़ के कामशेदपुर जाना है तो आपको चलना होगा। आपको मेरी बात माननी पड़ेगी।